बोर्डिंग का पैसा सत्ता में बैठे लोग खा रहे हैं। ये अवैध वसूली करके यहाँ के नेताओं की जेबों में जा रही है। यूनिपोल के नाम पर भ्रष्टाचार नगर परिषद कर रही है, जिसके लिए पूरी तरह से नगर परिषद चेयरमैन जिम्मेदार है। ये जो बैनर का जो अवैध धंधा है और कोई उसका पैमाना नहीं है। कहीं आप शहर के अंदर चले जाओ, पूरे शहर में आप देख लो, कोई भी होल्डिंग कोई भी लगा सकता है, कोई किसी को नहीं पता कौन पैसा कमा रहा है। क्या नगर परिषद को इस बारे में तो नहीं पता? ये लाखों रुपए के होल्डिंग जो शहर के अंदर लग रहे हैं और बड़े बड़े बैनर जो शहर के अंदर लग रहे हैं, अवैध निर्माण जो इसका हो रहा है, ये सब नगर परिषद इसके अंदर कसूर है। ढेर नगरी चौपट राजा नगर परिषद और अफसर माल कमा रहे हैं। बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी यार, आपको दिखेगी। रेवाड़ी नगर परिषद में हरियाणा नगर निकाय होल्डिंग्स बायलॉज का पालन करने की बजाय जमकर घपला घोटाला हो रहा है। नमस्कार, दैनिक साथी से मैं खुशबू राव। प्रदेश सरकार ऑनलाइन पॉलिसी इसलिए लेकर आई ताकि पारदर्शिता लाई जा सके, लेकिन कुछ कर्मचारी ठेकेदारों के साथ मिलकर जमकर सरकार की छवि को पलीता लगाने में लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो पूरा खेल नगर परिषद के एक कर्मचारी से मिलकर ठेकेदार खेलते हैं। मनमाने तरीके से शहर को बदसूरत करने के साथ ही लोगों की जान जोखिम में डालने से नहीं चूक रहे हैं। शहर के अंदर लगे वैध व अवैध होर्डिंग्स को किस तरह से लोगों की सुरक्षा के साथ सरकार के राजस्व को चूना लगाया जा रहा है, आसानी से देखा जा सकता है। खबर पर आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कि इन कारनामों के चलते शहरवासी किस कदर गुस्से में है। होर्डिंग्स लगा दिए गए, साइज डबल है, कोई कानून नियम तक पे रख के तमाम इस तरह की होर्डिंग का पैसा सत्ता में बैठे लोग खा रहे हैं, कहने में कोई गुरेज नहीं है। कौन खा रहा है ये सरकार जांच कराए। आप होर्डिंग लगा दीजिए, नेक्स्ट डे या उसी टाइम कोई ना कोई आएगा, आपसे पैसे की वसूली की जाएगी या होर्डिंग फाड़ दिया जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, किस मुद्दे से उस होर्डिंग को फाड़ा जा रहा है? क्या शहर में गुंडागर्दी चल रही है? कौन लोग भड़वा रहे हैं या किन लोगों को ठेका दे रखा है? पिछले दिनों कुछ बात आई थी, कुछ लोगों ने ऑनलाइन ठेका लिया है कुछ यूनिपोल का, तो यहाँ नगर परिषद में लगाइए इतने नंबर पोल पर ठेकेदार, ये इसको पैसा दीजिए। ये अवैध वसूली करके यहाँ के नेताओं की जेबों में जा रही है। अगर आप ईमानदार हैं तो कल ही ये मुद्दा खत्म कर दे, नहीं तो मैं मानू और जनता मान ले कि यूनिपोल के नाम पर भ्रष्टाचार नगर परिषद कर रही है, जिसके लिए पूरी तरह से नगर परिषद चेयरमैन जिम्मेदार है। बस अब शहर में चारों तरफ होर्डिंग लगे हुई हैं, कोई पैमाना नहीं है, मनमाने तरीके से होर्डिंग लगा दी, क्या कहेंगे लगातार जिस तरह शहर बदसूरत? शहर को सुंदर बनाना और बदसूरत करके सबसे बड़ा जिम्मेदार है, मैं तो सबसे बड़ा कहता हूँ, ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी नगर परिषद की है। नगर परिषद के अलावा और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। अब आप देखिए शहर के अंदर गंदगी का आप आलम देख लीजिए, शहर के अंदर कहीं आप चले जाओ वहाँ पे कूड़े के ढेर ही आपको हर जगह मिलेंगे। सफाई का कोई पैमाना नहीं है, कौन सा ठेकेदार कहाँ काम कर रहा है, कहाँ उसको पेमेंट दी जा रही है, इस बारे में कोई पता नहीं है। जो होल्डिंग है इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है, ये जो बैनर का जो अवैध धंधा है, मैं आपको बताऊं, इसमें जो माननीय हमारे डीएमसी जो गोगिया जी रेवाड़ी आए थे, उन्होंने इसके ऊपर जांच बैठा दी थी और रिकवरी करने के लिए वो उन्होंने लिख भी दिया था, लेकिन उसके बाद में क्या गोगिया जी का ट्रांसफर हो गया, जैसे उसी के ऊपर जो कुत्तों की नसबंदी थी वो भी हमारे गोगिया जी ने उसकी फाइल उठा ली थी, कुत्तों की नसबंदी के 75 लाख रुपए कहां गए, उसमें भी कार्रवाई होने जा रही थी, लेकिन क्या हुआ गोगिया जी ट्रांसफर हो गए, वो फिर वो ठंडे बस्ते के अंदर चली गई। इस तरह इन्होंने क्या करा कि दोबारा नए उसी कंपनी को, मतलब नया चेहरा पुराने लिबास को नया चेहरा बनाकर उसी ही कंपनी को दोबारा अपने होल्डिंग उन्होंने शहर के अंदर लगा दिए, और कोई उसका पैमाना नहीं है। कहीं आप शहर के अंदर चले जाओ, पूरे शहर में आप देख लो, कोई भी होल्डिंग कोई भी लगा सकता है, कोई किसी को नहीं पता कौन पैसा कमा रहा है। क्या नगर परिषद को इस बारे में तो नहीं पता? ये लाखों रुपए के होल्डिंग जो शहर के अंदर लग रहे हैं और बड़े बड़े बैनर जो शहर के अंदर लग रहे हैं, अवैध निर्माण जो इसका हो रहा है, ये सब नगर में इसका इसके अंदर कसूर है। सब बड़े बड़े सड़क का मानक होते हैं, सड़क का कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए, इस तरह से बड़े बड़े होल्डिंग कोई बड़ा हादसा हो सकता है? दिल्ली रोड की बात कर रहे हैं या फिर शहर की बात में, आखिर जिम्मेदार कौन होगा यदि कोई बड़ा हादसा हो जाता है? देखिए अवैध निर्माण तो करना, ये नगर परिषद तो आप अपने घर के आगे कोई ईंट लगा के बताए, ये शाम को अपने जेई या किसी को भेज दो, उसको नोटिस भेज देंगे, उसको ये बुलडोजर और जेसीबी की कार्रवाई उसको कराने को तैयार होंगे। इसका पैमाना तो यूँ नहीं है कि कहाँ से अवैध होल्डिंग से कहाँ से कमाई होनी है, उसी में उन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया। वो स्ट्रक्चर को खड़ा करने वाली कंपनी कौन है, कितने पैसे में ये टेंडर हुआ, वो टेंडर हुआ तो कब आपने वो टेंडर करा, भाई किसको पता उस टेंडर कर आपने किया, कहाँ अखबार के अंदर आपने विज्ञप्ति दी? तो ये सब लाखों का अंधेर नगरी चौपट राजा नगर परिषद और अफसर माल कमा रहे हैं अमित जी, इसके अलावा रेवाड़ी शहर के अंदर कुछ नहीं हो पाया। आरोप लगाने वाले कोई आम आदमी नहीं, शहर के जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे में समझ सकते हैं कि हालात किस कदर खराब है। अधिकारी का बयान भी दिखाएंगे,
पहले समझाते हैं कि आखिर किस तरह से सरकारी राजस्व को चूना लगाया जा रहा है। पॉइंट नंबर वन, ऑनलाइन पॉलिसी में निर्धारित साइज से अधिक होर्डिंग का साइज। रेवाड़ी शहर की सड़कों के किनारे भारी भरकम लोहे के खंभे गाड़कर विज्ञापन लगाए जाते हैं। ऑनलाइन टेंडर देते वक्त तमाम साइटों का साइज भी निर्धारित किया जाता है। शहर में कई ठेकेदारों की ओर से इन साइटों को लिया गया है, लेकिन कुछ ठेकेदारों ने मनमाने तरीके से कई फुट तक साइट बढ़ा दिया, क्योंकि फुट के हिसाब से ही नगर निकाय को फीस जमा करनी होती है। ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरह से चूना लगाया जा रहा है। पॉइंट नंबर टू, वैध की आड़ में अवैध होर्डिंग्स। ठेकेदारों द्वारा जहां वैध साइट लगाने में भी बायोलॉज का पालन नहीं किया जा रहा है, वहीं वैध साइट की आड़ में भी सैकड़ों की संख्या में अवैध साइट लगा दी गई है, जिससे सरकार को प्रत्येक माह लाखों रुपए का नुकसान झेलना पड़ता है। पॉइंट नंबर थ्री, रोड सेफ्टी नियमों की धज्जियां। सड़कों पर सैकड़ों किलो के लोहे के भारी भरकम खंभे गाड़कर साइट लगाते वक्त रोड सेफ्टी के तमाम नियमों को ध्यान रखना होता है। साइट इंस्टॉल करने से पहले एक टीम की ओर से निरीक्षण भी किया जाता है, ताकि कोई बड़ा हादसा न हो। रेवाड़ी नगर परिषद में इसके लिए जगह भी चिन्हित की हुई है। वाहन चालक विज्ञापन देखकर भटके ना, इसका भी ध्यान रखना होता है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। ऐसे में बड़े हादसे होने का डर भी बना हुआ है। पॉइंट नंबर फोर, शहर के अभय सिंह चौक, पायलट चौक, बावल रोड स्थित रणवीर सिंह हुड्डा चौक के पास बड़ी बड़ी गैंट्री लगाई गई है, लेकिन यहाँ पर तमाम बायोलॉज की धज्जियां उड़ती हुई देखी जा सकती है। जहाँ साइज मनमाने तरीके से लगाया हुआ है, वहीं पॉलिसी के तहत गैंट्री के ट्रैफिक की तरफ होर्डिंग नहीं लगाई जा सकती, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ होर्डिंग लगाई हुई आसानी से देखी जा सकती है। इसका मतलब साफ है कि पूरा खेल मिली भगत से चल रहा है, क्योंकि मॉनिटरिंग करने वाले भी यहीं से गुजरते हैं, उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता। हमने चार पॉइंट्स आपको गिनवाए हैं, लेकिन ऐसे दर्जनों पॉइंट्स हैं जिनकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। कार्रवाई के नाम पर महज देखेंगे, करेंगे, कर रहे हैं, ऐसे जवाब मिलते हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर जिम्मेदार किस दबाव में है। कल दूसरी खबर में बताएंगे कि किस तरह से लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए का चूना और जिम्मेदार क्यों है मौन। तब तक प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल दैनिक साथी हरियाणा। होर्डिंग जो लग रही है, तमाम नियम कायदे कानून ताक पे रखे वो लगा दिए गए, चारों तरफ कोई उसका जो कानून का पालन नहीं हो रहा है, उसमें लगातार शिकायतें भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं मिली भगत सामने आती है। नहीं, हमारी सारी एडवर्टाइजमेंट्स की जो साइट्स हैं वो डिसाइडेड हैं, और फिर भी कहीं पर्टिकुलर है तो मेरे पर संज्ञान में है, तो एक बार फिर उसको चेक करवा देंगे। साइट्स के अलावा भी काफी जगह पर शहर के अंदर जो लग रहे हैं, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी यार, आपको दिखेगी।